हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग गार्डन। सो ये मैं वीडियो लाया हूँ कनेर के ऊपर। ये मेरे पास जो मैं वो शो कर रहा हूँ कनेर का पौधा, ये पिंक कलर में है। सो ये एक नॉर्मल एक छोटा सा अपडेट है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको, बट ये खुशी ये मुझे खुशी हो रही है क्योंकि कोई भी प्लांट लवर अब है, अगर आप प्लांट लवर हैं तो समझ सकते हैं कि आप अगर कटिंग लगाते हैं किसी भी प्लांट का, अगर वो आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो बहुत ही खुशी होती है। तो ये भी मुझे एक अच्छा लगा कि जो एक साल जो मैंने पहले इसका जो कटिंग लगाया था, इस साल उसका जो फ्रूट्स जो है, जो फल है, वो मुझे मिल रहा है। तो ये पौधा कनेर का है, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि ऐसे कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था, तो वो मैंने रेनी सीजन में कटिंग लगाया था। एक साल के बाद अब जाके इसमें फ्लावर लगना स्टार्ट हुआ है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है ये प्लांट। तो ये खुशी का एक मुझे हो रहा था कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ ये जो भी अपडेट होता है। ये सिर्फ अभी एक जो टहनी है उसके ऊपर आया है, ये मैंने कभी नहीं देखा था। मैं ऐसे में पार्क वगैरह में जाता था, वहां मैं देखता था या लोगों के घरों में देखता था, तो बहुत अच्छा लगता था देखने में। उनके तो बहुत बड़े बड़े पौधे होते थे तो बड़ा लगा रहता था फ्लावर से। सो ये तो एक शुरुआत है, बट आपका जो मेहनत है, आपकी जो केयर करते हैं इस प्लांट के ऊपर, आपकी प्लांट अगर आपको अच्छा रिजल्ट दे तो बहुत ही खुशी होती है। सो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जब फ्लावर जब आ जाए प्लांट में तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी को सूखी नहीं रखनी है, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, और इसमें आपको फ्लावर जो प्लांट है इसमें आपको पानी देते रहना है, रेगुलर आपको पानी देना है। नहीं तो क्या होगा, इससे जो प्लांट जो है, क्योंकि इनको एक वो चाहिए ना, शक्ति जो भी बोल सकते हैं आप, खिलने के लिए पानी एक आवश्यकता होती है प्लांट के लिए, वो देना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक NPK इसमें बाल्टी में घोल के रखा है वाटर में, और ये मैं इसमें जब तक तब तक दूंगा जब तक ये इससे एक मग तो मैं नहीं दूंगा, ये पूरा पानी सूख जाएगा। सो मैं इसमें एक बार और दूंगा पानी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ही सूखा है, और जब कोई फ्लावरिंग प्लांट हो, जब उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है तो आप उसमें वाटर जरूर दें, क्योंकि वाटर से क्या होगा, फ्लावर साइज बड़ा बड़ा होगा फ्लावर का, और अच्छा खिलेगा भी। अब देखते हैं, कभी कभी ज़्यादा गर्मी के दिनों में जो फ्लावर के साइज होते हैं थोड़े से छोटे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रॉपर वाटर नहीं रहता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग जब धूप से आते हैं कितने थके हुए रहते हैं, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो जब ग्लूकोज पीते हैं तो एक एनर्जी आता है। वैसे ही प्लांट में भी वैसे ही प्रोसेस जो मेथड है वो अप्लाई होता है, वो भी एक लिविंग थिंग्स है प्लांट में। सब ये ध्यान रखिए, जब फ्लावर जब आना स्टार्ट हो जाए, फ्लावर नहीं जब कलियाँ आना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आप पानी देना स्टार्ट कर दें। पानी तो आप देते हैं, बट ध्यान रखिए कि इसमें सूखा ज़्यादा ना पड़े। कभी कभी क्या होता है, किसी प्लांट को एक दिन दो दिन पानी नहीं दिए तो काम चल जाता है, बट अगर फ्लावर जब आना स्टार्ट हो चुका है तब उसे आप रेगुलर पानी दें। तो ये एक अपडेट था जो मैं लाया था, जो मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। मेरे पास एक और है लाल रंग का है, बट उसमें उधर कलियां नहीं आई हैं। मैं जब नर्सरी से लाया था उसे तो उसमें कलियां थी भी नहीं, तो मैंने बोला भी था कि भैया आपने ये मुझे पौधा दिया है, इसमें कलियां आएंगी कि नहीं आएंगी, बट उन्होंने गारंटी पे बोला था कि इसमें आएंगी आप ले जाइए, तो मैंने विश्वास पे ले लिया था। बट अब मैं उस नर्सरी से कभी नहीं लेता कोई भी प्लांट, क्योंकि एक बार आदमी धोखा खा जाता है फिर वहाँ पर बार बार नहीं आता है। मैं जो शॉपिंग करता हूँ दूसरी नर्सरी से, मैंने सारे अपने फ्लावर्स जो है वहीं से लिए थे, बट वहाँ पे उस समय नहीं था कनेर का पौधा, इसीलिए मैंने दूसरी नर्सरी को प्रेफर किया था, बट अब मैं वहाँ से नहीं लूँगा। इसकी जो वीडियो है जो मैंने कटिंग से लगाई थी वो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन उसका वीडियो को डाल दूँगा। बहुत ही आसान है ग्रो करने से कटिंग को, और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। जब आपके जब पेड़ घने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो जब ये पूरा जब पत्तियों को ढक देगा अपने फ्लावर से, तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। सो एक नॉर्मल छोटा सा अपडेट था।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से देना ना भूलें। थैंक यू।